Hello friends and welcome to Vocabulary Series by Badal Sir, presented by Short Tricks Professional Academy, जहां हमारा टारगेट है 1000 वोकैबुलरी को एक सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना. सो अगर आपका टारगेट है SSC, बैंक्स, IBPS या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स या प्रिपेयर कर रहे हैं कैट मैट जैट जैसे एग्जाम्स के लिए, तो ये कोर्स आप ही के लिए बना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे सभी वर्ड्स को एक बार पॉज करके ज़रूर रीड आउट करें. अगर ये सारे वर्ड्स आपको पहले से ही आते हैं तो ये वीडियो देखकर अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें. लेकिन अगर आप ये सारे वर्ड्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड ये रहा आपके स्क्रीन पर. ट्राई टू प्रोनाउंस इट. या वर्ड है पार्सीमोनियस. इट्स एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी और रिसोर्सेस. कहने का मतलब एक कंजूस व्यक्ति. इसका एक वाक्य में प्रयोग देखते हैं, सेंटेंस में इसका यूसेज देखते हैं. आपके स्क्रीन पर है वो सेंटेंस. द ओल्ड लेडी वॉज सो पार्सीमोनियस दैट शी वॉश्ड द यूज्ड डर्टी प्लास्टिक बैग्स सो दैट शी कुड रीयूज देम. कहने का मतलब वो बूढ़ी औरत इतनी ज़्यादा कंजूस थी कि उसने पुराने गंदे प्लास्टिक की थैलियों को धोया ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके. क्लियर गाइज? सो पार्सिमोनियस मतलब कंजूस व्यक्ति. ये वर्ड हम डेली लाइफ में ज़्यादा देखते पढ़ते या बोलते नहीं हैं. दैट्स नॉट सो कॉमन वर्ड. तो इसको कैसे याद रख सकते? व्हाट्स द मेमोरी ट्रिक फॉर दिस वर्ड? चलिए देखते हैं. अगर हम पार्सिमोनियस को दो हिस्सों में तोड़े तो हमारा वर्ड का पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पारसी, और दूसरे वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, मोनी को कर सकते हैं मनी से रिलेट. पारसी मनी. चलिए बात करते हैं इन दोनों पार्ट्स की. ये वर्ड आप कभी नहीं बोलेंगे, डोंट वरी. पारसी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे रिलीजन्स हैं, ऐसे ही एक रिलीजन होता है पारसी रिलीजन. आप लोगों में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि भारत में इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है. भारत में क्या, पूरी दुनिया में इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है. लेकिन ये जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी काफ़ी नाम कमा चुके हैं. शायद नीचे दिए गए फोटोग्राफ्स में से आप किसी को जानते हो. यस, पहला फ़ोटो शायद सब जानते हैं, मिस्टर रतन टाटा. मिस्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन, वेरी फेमस, और वो एक पारसी समुदाय के व्यक्ति हैं. और उसके ठीक नीचे आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा जिसमें गोदरेज लिखा है. वो व्यक्ति है गोदरेज समूह के संस्थापक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग का नाम है मिस्टर आर्देश्री गोदरेज. ये दोनों ही व्यक्ति पारसी समुदाय के हैं. पारसी समुदाय यूँ तो हर फील्ड में अपना नाम कमा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पारंपरिक तौर पर ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन निकलते हैं. तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं, तो आप पैसे को लेकर कैसे हैं? खर्चीले होंगे या कंजूस होंगे? हाँ, सभी व्यापारी भाइयों के लिए तारीफ है, भाई पैसा बचाओगे नहीं, थोड़े कंजूस नहीं बनोगे, पैसों की बचत नहीं करोगे तो आप कभी बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन नहीं बन सकते. तो पैसों की वैल्यू बिजनेसमैन से अच्छा कौन कर सकता है? तो हम कह सकते हैं पारसीमोनियस में वर्ड है पारसी. पारसी का मतलब पारसी समुदाय, मतलब वो लोग जो बहुत अच्छे व्यापारी या बिजनेस क्लास के लोग होते हैं. एंड यूजुअली बिजनेसमैन आर लाइक पार्सिमोनियस, या जो खर्चा शुरुआत के बिजनेस के दिनों में ज़्यादा नहीं करते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, पार्सिमोनियस. तो पारसी मनी को लेकर क्या होते हैं? कंजूस. तो उम्मीद करता हूँ अगली बार आपको वर्ड मिले पार्सिमोनियस तो आपको पारसी समुदाय के लोग ज़रूर याद आए. और ये आपके रेफरेंस के लिए था. बाकी पारसी समुदाय के लोग ना सिर्फ बिजनेसमैन हैं, वो साइंटिस्ट भी रह चुके. आपने होमी जहांगीर बाबा का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के नाम भी सुने होंगे जो पारसी समुदाय के हैं. तो जस्ट फॉर योर मेमोरी डिप आई एम सेइंग दिस, पारसीमोनियस मतलब पारसी लोग मनी को लेकर कंजूस होते हैं बिकॉज दे आर बिजनेसमैन. क्लियर गाइज? सो अगर हम बात करें इनका सिनोनिम्स की, अगर हम इनके पर्यायवाची वर्ड्स या एंटोनिम्स की बात करें, तो हमारा सिनोनिम्स है कुछ ऐसे वर्ड जो कॉमन वर्ड है सबसे, वो है माइज़र. स्कूल में हम ये वर्ड काफ़ी जल्दी सीखते हैं, माइज़र, MISER. और हो सकता है पेनूरियस, और कौन सा वर्ड हो सकता है? फ्रुगल, या फिर वर्ड है स्टिंजी, मिंजी.
ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स या विलोम शब्द। तो जो कंजूसी से रहता है उसका उल्टा क्या होता है? जो बहुत लाविश, लग्जरी से या शानो शौकत से या पैसा खर्चा करके रहता है। तो कुछ इसके एंटोनिम्स जो होंगे पार्सिमोनियस के, वो है प्रोफ्लिगेट या फिर एक्स्ट्रावेगेंट, या फिर होता है थ्रिफ्ट, मतलब होता है कंजूसी से रहना, तो उसका ऑपोजिट हो जाता है थ्रिफ्टलेस, या फिर होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड था पार्सिमोनियस, मतलब कंजूस, पारसी लोग मनी को लेकर कंजूस होता है। सिनोनिम्स देखें, एंटोनिम्स देखें, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। हमारा आज का अगला वर्ड है, यस ट्राई टू प्रोनाउंस इट, एलोक्वेंट। इट्स नॉट इलोक्वेंट, इट्स एलोक्वेंट। जैसे ई से इलीफेंट नहीं होता, वैसे ही ई से इलीक्वेंट नहीं है, इट्स एलोक्वेंट। सही प्रोनाउंसिएशन करिए, एलोक्वेंट। अगेन, फिर से ये एक एडजेक्टिव है जो किसी क्वालिटी या विशेषता को दर्शाता है, और इस वर्ड का मीनिंग होता है फ्लुएंट और पर्सुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली इन स्पीकिंग। जो बहुत अच्छा वक्ता हो, सुवक्ता, या बोलने में जिसका बहुत अच्छा कमांड हो, जिसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हो, जो बातें करने में बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी तरफ आप देख सकते हैं, पर मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक नया ट्रिक या नया तरीका बताऊँगा वर्ड मीनिंग्स को याद रखने का। इसे कहते हैं वर्ड लिंकिंग टेक्निक, शब्दों को लिंक करना। लिंक का मतलब होता है जोड़ देना। तो आपको जब भी कोई ऐसा वर्ड मिले जिसको आप जोड़ सकते हैं, किसी से लिंक कर सकते हैं, और ताकि वो आपको जब अगली बार वो व्यक्ति मिले तो आपको वर्ड रिमाइंड हो जाए, तो आपको तुरंत वो काम कर देना चाहिए। जैसे आप कह सकते हो पार्सिमोनियस, हमने अभी सीखा, तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। तो आप कह सकते हो मेरा पड़ोसी बड़ा कंजूस है, तो माई पड़ोसी इज़ पार्सिमोनियस। तो पड़ोसी को वर्ड चिपका दीजिए, लिंक कर दीजिए। अगली बार जब आपको पड़ोसी दिखाई देगा तो आपको पार्सिमोनियस वर्ड बहुत क्लिक करेगा, ठीक है। इसी टेक्निक से हम आज एलोक्वेंट वर्ड को सीखेंगे। तो एलोक्वेंट वर्ड का मीनिंग होता है अच्छा बोलने वाला, या जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, सुवक्ता, अ गुड स्पीकर, गुड ओरेटर, ठीक है। इनको याद रखने के लिए जो तरीका है वो हम देखेंगे, उससे पहले एक सेंटेंस देखते हैं इसका, वाक्य में प्रयोग। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीकर। ये बात तो सब मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे ओरेटर, पब्लिक स्पीकर, या जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, वो है उनकी। इसीलिए ऑपोजिशन वाले हमेशा कहते हैं कि पीएम के हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छे से भाषण देते हैं। सो गाइस, याद करने की ट्रिक, हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो आज हम करने वाले हैं, आने वाले अगले 2-3 वर्ड्स को किसी से लिंक या जोड़कर देखने वाले हैं। तो मैंने जो किया है, मैंने इस वर्ड को चिपका दिया है, जोड़ दिया है मेरे फेवरेट एक्टर के साथ। वो मेरा फेवरेट एक्टर कौन है? वो है, जब भी मैं बात करता हूँ एलोक्वेंट स्पीकर की, जिसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हो, जिसे सुनने में मज़ा आता हो, तो मेरा फेवरेट है मिस्टर अमिताभ बच्चन। जिस स्टाइल से वो कहते हैं, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय, आई रिमेंबर दैट साउंड स्टिल, कि जिस तरीके से वो वेलकम करते थे अपने शो में सबका। तो अगली बार जब भी आप अमिताभ बच्चन को देखें, तो आप बोल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इज एन एलोक्वेंट प्रेजेंटर, या एलोक्वेंट होस्ट, जिसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हो। तो हमने क्या किया है कि हमने वर्ड को किसी से लिंक या जोड़ने का काम किया है। क्लियर गाइज? एलोक्वेंट। चलिए, अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की और थोड़ा सा, तो वो अपने पिताजी मिस्टर हरिवंश राय बच्चन लेट, उनका पोएम, जब वो उनकी कविताएं को पढ़ते हैं मंच पर या किसी फंक्शन में, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं और लोग उन्हें सुनते रह जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमिताभ बच्चन को शुरुआत में उनकी आवाज़ की वजह से ही नौकरियां नहीं मिली थी। सो गाइस, चलते हैं अगले इसके पार्ट में, मतलब एलोक्वेंट का सिनोनिम और एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। एलोक्वेंट मतलब अच्छा बोलने वाला, जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। तो इसके सिनोनिम्स कैसे होंगे? फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव या कम्युनिकेटिव, जो अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। वही अगर हम इसका ऑपोजिट या एंटोनिम्स अगर हम देखें, तो जो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, शर्माया रहता है, झिझकाया रहता है, बोल नहीं सकता, जिसकी ज़ुबान लोगों के सामने नर्वस हो जाता, खुलती नहीं है, तो इनको कहते हैं हेजिटेंट, टंग टाइड, या फिर इनआर्टिकुलेट। सो गाइज, हमारा दूसरा वर्ड था एलोक्वेंट, और हमने इस एलोक्वेंट को किससे चिपका दिया, लिंक कर दिया,
मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को छोड़िएगा नहीं, वो हमें दो तीन वर्ड और सिखा के जाएंगे। चलिए देखते हमारा अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है वेटरन। अगेन ये भी एक एडजेक्टिव है। वेटरन वर्ड का मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। हिंदी में कहते हैं अनुभवी। किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अगर अच्छा लंबा अनुभव हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति को कहते हैं वेटरन। यू कैन से दैट मुझे पढ़ाने की फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 11 ईयर्स, सो आई एम अ वेटरन टीचर। एक अनुभवी शिक्षक हूँ। क्लियर? एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल है, जैसे अ 20-year वेटरन ऑफ द मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के एक 20 साल के अनुभवी अधिकारी या व्यक्ति की बात हो रही है। सो यू कैन से दैट वेटरन मतलब हु इज हैविंग अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। क्लियर? लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये वर्ड आपको अमिताभ बच्चन से याद रह जाएगा। क्यों? अमिताभ बच्चन आपको नौसिखिए अभिनेता लगते हैं क्या? या क्या लगता है आपको, अमिताभ बच्चन कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? अमिताभ बच्चन को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है बॉलीवुड में। तो अमिताभ बच्चन ना सिर्फ एक एलोक्वेंट स्पीकर है, बल्कि एक वेटरन एक्टर भी है, एक अनुभवी कलाकार भी है। तो अगली बार जब आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन आप एक एलोक्वेंट स्पीकर हैं, या फिर आप कहेंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन आप एक वेटरन एक्टर है, एक अनुभवी कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं। चलिए वेटरन के कुछ सिनोनिम्स या पर्यायवाची देखते हैं। वेटरन के सिनोनिम्स अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, क्या और भी क्या क्या सिनोनिम्स हैं। हमारा सिनोनिम है वेटरन का वर्टूसो, मास्ट्रो, एस, सीजन्ड, प्रो, ये सारे वर्ड्स इनके सिनोनिम्स हैं। वही अनुभव जो व्यक्ति होता है, जिसके पास होता है अनुभवी, उसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? नया नया जो सीख रहे हैं, प्रशिक्षु, इनएक्सपीरियंस्ड या ट्रेनी, जो अभी नया नया काम सीख रहा है, तो क्या क्या वर्ड्स हैं? नोविस, बिगिनर, नियोफाइट, अच्छा वर्ड है नियोफाइट, या हम कहते हैं प्रोबेशनर, बैंक वाले बच्चों, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो कौन सा नौ सीखिए ऑफिसर, प्रोबेशनरी, यही सब वर्ड आया प्रोबेशनर, जो भी ट्रेनिंग ले रहा है, जो अंडर ट्रेनिंग हो। सो गाइज, हमारा तीसरा वर्ड था वेटरन मतलब अनुभवी, और अमिताभ बच्चन एलोक्वेंट भी है और वेटरन भी है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक आदमी है, एक कलाकार है जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन, उसके साथ सारे वर्ड्स को चिपकाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमिताभ बच्चन और कौन सा वर्ड सिखाने वाले हैं। हमारा अगला वर्ड ये रहा आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है जो बहुमुखी प्रतिभावान हो, जो अलग अलग काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, मतलब ईजिली अलग अलग रोल या अलग अलग काम को संभाल सकता है। कई लोग होते हैं ना जो डांस भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, कई लोग होते हैं पढ़ाई भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। सो ऐसे लोगों को कहा जाता है वर्सटाइल व्यक्ति। सो गाइस, वर्सटाइल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेदर जैकेट इज अ टाइमलेस एंड वर्सटाइल गारमेंट दैट कैन बी वोन इन ऑल सीजन्स। कहने का मतलब है लेदर की जैकेट एक वर्सटाइल गारमेंट मतलब कपड़ा है, एक ऐसा आपका ड्रेस है लेदर जैकेट, जिसको आप किसी भी सीजन में किसी भी कपड़ों के साथ यूजली कैरी कर सकते हैं, और वो आपका शो ऑफ या दिखावे का एक अच्छा जरिया बन जाता है। तो लेदर जैकेट को कैसा गारमेंट कहा गया है? वर्सटाइल जैकेट्स। क्लियर? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसके अमिताभ बच्चन से क्या लेना देना है? अमिताभ बच्चन हमें कैसे याद दिला सकते हैं, कैसे याद रखवा सकते हैं वर्सटाइल शब्द को? मैं तो अमिताभ बच्चन को जब भी देखता हूँ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वो कभी बादशाह या शहंशाह बन जाते हैं, या कभी कुली बन जाते हैं। जितना वो कुली में अच्छे लगे हैं, उतना ही वो बागवान में एक फादर के रोल में लगे हैं। सो गाइज, डोंट यू थिंक अमिताभ बच्चन एक वर्सटाइल एक्टर है? अमिताभ बच्चन एक बहुमुखी प्रतिभावान कलाकार है, जो कुली, डॉन, शहंशाह, लाइक फादर के रोल या कॉमेडी मूवीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। वो एक ही एक्टिंग हर मूवी में नहीं करते हैं कि वो पुलिस का रोल कर रहे हैं या किसी गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, नेगेटिव रोल कर रहे हैं। सो आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा कि अमिताभ बच्चन एलोक्वेंट स्पीकर है,
वेटरन अनुभवी कलाकार हैं और साथ ही साथ एक वर्सटाइल बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार हैं जो अलग अलग रोल्स को बहुत अच्छे, आपने अगर उनकी पाम मूवी देखी होगी तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि वर्सटाइल एक्टर अमिताभ बच्चन तो है ही। सो गाइस, हमें अमिताभ बच्चन जी ने कितने वर्ड्स याद दिला दिए, 3 वर्ड। चलिए देखते हैं वर्सटाइल के कुछ सिनोनिम्स। वर्सटाइल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, जो आसानी से मोड़ा जा सके या रूप बदल सके। तो फ्लेक्साइल, फ्लेक्सिबल, वेरिएबल, मल्टीफेसेट या मल्टी टैलेंटेड, मेनी साइडेड, आसान शब्द हैं, अडैप्टेबल, क्लियर है। वही जो आसानी से दूसरी चीज़ों में ढल नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं, रिजिड, स्टबर्न, अकड़ू, जो जैसा चाहता, जो जिस मूड में या जिस एटीट्यूड में रहता वो अभी कभी भी इजीली ढलता नहीं है। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल या अनबेंडिंग या ऑब्ड्यूरेट और लास्ट वर्ड इज स्टबर्न, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू टू अमिताभ बच्चन जिन्होंने हमें एलोक्वेंट, वेटरन और वर्सटाइल को याद रखना सिखाया। वो अच्छा बोलते हैं, उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ वो बहुत सालों से, 50 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और एक वर्सटाइल अलग अलग बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, चाहे वो पाम मूवी में उनका रोल हो या डॉन या शहनशाह का रोल हो। सो गाइस, ये टेक्निक कहलाती है वर्ड लिंकिंग टेक्निक, जहां हम किसी भी वर्ड को किसी पर्सन से या किसी वस्तु से या किसी मूवी के नाम से या किसी बिल्डिंग से या किसी देश से अटैच करके याद रख सकते हैं, क्लियर है। पर मेरे पे वो ज़्यादा वर्ड मत लिंक करना, ताकि अगला वर्ड मैं आपको सिखाऊँ आप मेरे पे मेरा ट्रिक आजमाने लगो। सो गाइज, इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में कि आप शरारती बच्चे कौन से वर्ड्स मुझसे लिंक करके याद रखना चाहते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारा अगला वर्ड है डल सेट, डी यू।